अपन कंटिन्यू कर रहे हैं इक्विसिटम के इंटरनल स्ट्रक्चर, और आज अपन पढ़ेंगे कि इक्विसिटम के तने की आंतरिक संरचना कैसी होती है। तो इक्विसिटम के तने में मैंने आपको बताया था कि इसमें पर्व व पर्व संधि पाई जाती है, तो दोनों ही जगह से सेक्शन डिफरेंट आएगा। पर्व सेक्शन, पर्व अगर अपन सेक्शन काटें तो सेक्शन डिफरेंट होगा, और पर्व संधि से सेक्शन काटे तो सेक्शन डिफरेंट रहेगा। तो ये जो सेक्शन दिख रहा है, ये सेक्शन है इंटरनोड। अगर अपन पर्व से सेक्शन काटे या इंटरनोड से सेक्शन काटे तो ये इस तरह का सेक्शन दिखेगा। तो इसका जो तना है वो बिल्कुल बाहर से वेवी होता है, तरंगित होता है, और उसमें उभार और गर्थ पाए जाते हैं। इसकी जो एपिडर्मिस होती है उसमें सिलिका का जमा होता है, सिलिका का डिपोजिशन होता है, जिससे यह ब्रिटल नेचर का होता है, इसको आराम से तोड़ने पर यह टूट सकता है। तो ये बाहर से बिल्कुल वेवी होता है जिसमें उभार और गर्थ पाए जाते हैं, और इसकी जब आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो मेन तीन हेडिंग में करते हैं। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टील। तो एपिडर्मिस इसमें एकल परतीय होती है, और एपिडर्मिस के बाहर मोटी क्यूटिकल पाई जाती है। एपिडर्मिस और क्यूटिकल में सिलिका, सिलिका का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से यह ब्रिटल नेचर का हो जाता है, आसानी से टूट जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें उभार और गर्थ पाए जाते हैं। तो एपिडर्मिस के नीचे बल्कुट आता है, कॉर्टेक्स आता है, जिसको तीन भागों में विभेदित किया जा सकता है। सबसे बाह्य बल्कुट स्केलेरन काइमा का बना होता है, और स्केलेरन काइमा की मात्रा जो रिजेज है, जो बाहर उभरा हुआ भाग है, वहाँ पर स्केलेरन काइमा की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये रिज है, यहाँ पर स्केलेरन काइमा ज़्यादा पाया जाता है, और इसके नीचे एक या दो परत स्केलेरन काइमा की और पाई जाती है। तो इस स्केलेरन काइमा की वजह से यह पौधे को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। इस स्केलेरन काइमा के नीचे क्लोरोफिल टिश्यू का वल्कुट पाया जाता है, क्लोरोफिलस कॉर्टेक्स पाई जाती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और भोजन का निर्माण करती है, जिसको मध्य वल्कुट कहते हैं। मध्य वल्कुट के नीचे आंतरिक वल्कुट पाया जाता है, जो मृदुतक का होता है, जिसमें भोजन का संचय होता है, एवं इसमें और ख़ास बात यह होती है कि इसमें वैलिकुलर कैनाल पाई जाती है, वैलिकुलर कैनाल पाई जाती है, और ये वैलिकुलर कैनाल जिसमें एयर भरी रहती है, और यह पौधे को जीरोपिटिक गुण प्रदान करती है। ये वैलिकुलर कैनाल जो पौधे का गर्त भाग है, गर्त भाग के करस्पॉन्डेंस पौधे का गर्त भाग के नीचे पाई जाती है। तो गर्त भाग के नीचे वैलिकुलर कैनाल पाई जाती है, और गर्त भाग में संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, धसे हुए वात रंध्र पाए जाते हैं। तो जो इक्विसिटम का पौधा है, इसका दोनों ही तरह के गुण पाए जाते हैं। इसमें जीरोफिटिक कैरेक्टर भी पाए जाते हैं और हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। तो क्या होते हैं जीरोफिटिक, क्या होते हैं हाइड्रोफिटिक, वो मैं थोड़ा आपको आगे बताऊँगा। पहले इसके अपन कंप्लीट करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। वल्कुट की सबसे आंतरिक परत है, आंतरिक परत को एंडोडर्मिस कहते हैं, जिसमें कैस्पिरिन इस पट्टिका भी पाई जाती है। ये
वल्कुट की सबसे आंतरिक परत होती है जो रंभ को और वल्कुट को विभेदित करती है। वल्कुट के नीचे रंभ शुरू होता है और रंभ इसमें साइफोनो स्टील प्रकार का होता है। रंभ में पीट पाया जाता है, पीट कैविटी पाई जाती है और इसमें जो संवहन पुल है, संवहन पुल यह रिजेज के नीचे पाए जाते हैं। रिजेज संवहन पुल तो रिजेज के नीचे, वेलिकुलर कैनाल ग्रूव्स के नीचे, ये इसमें खास बात है। रिजेज के नीचे संवहन पुल पाए जाएंगे और ग्रूव्स के नीचे वेलिकुलर कैनाल पाई जाएगी। इसमें संवहन पुल कॉन्जॉइंट को लेटरल और एंडार प्रकार के होते हैं। फ्लोएम कम मात्रा में पाया जाता है और इसमें एक कैविटी पाई जाती है जिसको कैराइनल कैनाल कहते हैं। तो इसका जो ये समन पुल है, इसमें ये कैराइनल कैविटी प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। तो इसमें संवहन पुल रिजेज के करस्पॉन्डिंग होते हैं, रिजेज के नीचे पाए जाते हैं और संवहन पुल में मेटाजाइलम परिधि की तरफ होते हैं, प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ होते हैं, इसलिए इसको एंडार कहा गया है। और प्रोटोजाइलम के बीच में एक बहुत बड़ी गुहा पाई जाती है जिसको कैराइनल कैनाल कहते हैं और इस कैराइनल कैनाल में जल भरा हुआ रहता है जो जल के संवहन में मदद करता है। तो ये संवहन पुल, इस तरह के संवहन पुल, साइफोनोइस्टिक संवहन पुल, ये जो तना है इसके रिजेज के नीचे पाए जाते हैं। तो संवहन पुल साइफोनोइस्टिक प्रकार के होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं। कॉन्जॉइंट से तात्पर्य है कि फ्लोएम और जाइलम एक ही त्रिज्या पर होते हैं, कोलेटरल होते हैं, एंडार्क होते हैं और इसमें कैराइनल कैनाल पाई जाती है। तो इसमें दो तरह की कैनाल पाई जाती है, वेलिकुलर कैनाल जो कॉर्टेक्स में पाई जाती है जो ग्रूव्स के नीचे पाई जाती है, कैराइनल कैनाल जो संबंध पूल के अंदर पाई जाती है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि दो तरह की इसमें कैनाल पाई जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इक्विसीटम के तने में दोनों ही प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, मृदभेदीय लक्षण भी पाए जाते हैं और जलोदभेदीय लक्षण भी पाए जाते हैं। मृदभेदीय लक्षण क्या होते हैं, कौन कौन से हैं इसमें मृदभेदीय लक्षण? तो पहला मृदभेदीय लक्षण इसमें यह है कि मोटी क्यूटिकल का पाया जाना मृदभेदीय लक्षण है। दूसरा, संकर स्टोमेटा का पाया जाना मृदभेदीय लक्षण है। तीसरा, बहुत मात्रा में दृढ़ उत्तक का पाया जाना यह भी मृदभेदीय लक्षण है। चौथा, इसके वल्कुट में क्लोरोफिलस टिश्यू का पाया जाना यह भी मृदभेदीय लक्षण है। और पांचवा, इस पर
छोटी छोटी पत्तियों का पाया जाना ये भी मृद्भेदीय लक्षण है। तो ये है इसके मृद्भेदीय लक्षण। अब इसके जलोद्भेदीय लक्षण क्या है? जलोद्भेदीय इसमें तीन चार जलोद्भेदीय लक्षण भी पाए जाते हैं। जलोद्भेदीय लक्षण ये है कि दो प्रकार की गुहाएं वैलिकुलर कैनाल और कैराइनल कैनाल का पाया जाना जो ये पौधे को जल में उत्प्लावकता प्रदान करती है, क्योंकि ये वायु कोष्ठ पाए जाते हैं, इसमें वायु पाई जाती है जिसकी वजह से यह जल में उत्प्लावकता प्रदान करती है। तो वैलिकुलर कैनाल और कैराइनल कैनाल में पाया जाना यह एक जलोद्भेदीय लक्षण है। दूसरा जलोद्भेदीय लक्षण क्या है? इसमें जाइलम रेडियस होना, जाइलम की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। तो जाइलम और प्रोटोजाइलम की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, यह भी एक जलोद्भेदीय लक्षण है। तो ये मुख्य रूप से दो जलोद्भेदीय लक्षण है। अब अगर इसका सेक्शन अपन नोड के थ्रू काटे, ये तो सेक्शन जब इंटर नोड के थ्रू काटते हैं तो ऐसा दिखता है, और अगर सेक्शन नोड के थ्रू काटा जाए तो सेक्शन कैसा, उस सेक्शन में और इस सेक्शन में क्या डिफरेंस होगा? तो मुख्य रूप से दो डिफरेंस पाए जाते हैं। अगर सेक्शन को पर्व से काटा जाए, पर्व संधि के वहाँ से काटा जाए तो इससे वो थोड़ा सा डिफर करेगा। क्या डिफरेंस होगा उसमें? डिफरेंस ये होगा कि उस सेक्शन में पीत अणु उपस्थित होगा। इफ वी कट ए सेक्शन थ्रू नोड देन देयर विल बी नो पीत, नंबर वन। नंबर टू, इफ वी कट ए सेक्शन थ्रू नोड देन द नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल विल डबल्ड। अगर अपन सेक्शन नोड के थ्रू काटते हैं तो जो संबंध पुल है इनकी संख्या डबल हो जाएगी, दुगने दिखेंगे। तो ये दो मुख्य डिफरेंस है कि जब सेक्शन इंटर नोड और नोड के थ्रू काटते हैं तो क्या डिफरेंस है। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंस इफ ए सेक्शन इज कट थ्रू एन इंटर नोड और नोड। तो इंटर नोड के थ्रू काटेंगे तो पीत दिखेगा, नोड के थ्रू काटेंगे तो पीत अनुपस्थित होगा। नोड के थ्रू सेक्शन काटेंगे तो जो संबंध पुल है इसकी संख्या दुगनी हो जाएगी। क्यों दुगनी हो जाती है? क्योंकि नोड पर मैंने आपको जब इसकी मॉर्फोलॉजी बताई थी तो ये नीचे वाले नोड और ऊपर वाले नोड की जो बाह्य रिजेज एंड फ्लो है वो अल्टरनेटिंग होती है। अल्टरनेटिंग होने की वजह से उस नोड पर इसकी संख्या डबल हो जाती है और ये द्विगुणी दुगने संख्या में दिखते हैं। तीसरा डिफरेंस यह है कि अगर इसके सेक्शन को नोड के थ्रू काटेंगे तो वैलिकुलर कैनाल अब्सेंट होगी, वैलिकुलर कैनाल नहीं पाई जाएगी। नोड में वैलिकुलर कैनाल नहीं पाई जाती है। चौथा डिफरेंस यह है कि कैराइनल कैनाल भी एब्सेंट होगी। तो क्या डिफरेंस है अगर सेक्शन को नोड के थ्रू काटा जाए? नंबर वन, वैलिकुलर कैनाल एंड कैराइनल कैनाल विल बी एब्सेंट। नंबर टू, पीत विल एब्सेंट। नंबर थ्री, वैस्कुलर बंडल विल डबल। तो ये कुछ डिफरेंस होगा जब सेक्शन को इसके थ्रू काटा जाए नोड के थ्रू। और अगर राइजोम के थ्रू काटा जाए, अगर ये राइजोम हो तो क्या डिफरेंस होगा? राइजोम हो तो पहला डिफरेंस ये होगा कि उसमें वात रंध्र अनुपस्थित होंगे, उसमें वात रंध्र अनुपस्थित होंगे। दूसरा डिफरेंस ये होगा कि अगर इसको सेक्शन को उसके थ्रू काटा जाए, अगर ये राइजोम है तो
स्केलेरन काइमा और क्लोरन काइमा की मात्रा बहुत ही कम होगी, क्लोरन काइमा इवन एब्सेंट होगा। अगर सेक्शन आपको अगर ये राइजोम दिया है तो राइजोम और इस तने में डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ये होगा कि राइजोम में संकरण स्टोमेटा कम नहीं होंगे, स्केलेरन काइमा की मात्रा कम होगी, क्लोरन काइमस काइमेटर टिश्यू एब्सेंट होंगे। ये अगर आपका सेक्शन राइजोम है तो, और वेलिकुलर और कैराइनल कैनाल राइजोम में छोटी पाई जाती है, तने की तुलना में राइजोम में वेलिकुलर और कैराइनल कैनाल छोटी पाई जाती है। तो ये डिफरेंस है। तो तने के नोड और इंटरनोड में क्या डिफरेंस है ये मैंने बता दिया है, तने और राइजोम में क्या डिफरेंस है ये मैंने बता दिया, तो इसको आप अच्छी तरह से करना। तो यह है इसके तने की आंतरिक संरचना।